है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। आहा हा हो ही हा 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 दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। हाँ कौन है? सब आपने बुलाया मुझे? हाँ उमेश अंदर आ जा। पिछले दो दिन से किधर था तू? क्यों छुट्टी लिया तू? सब बच्चे के एडमिशन के लिए बाहर गया हुआ था सर। तेरे वजह से कंपनी को कितना नुकसान हुआ तू मुझे मालूम है? मेरा सब पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो गया। सब दोबारा ही गलती नहीं होगी। तेरे को काम करने का तो कर, नहीं तो छुट्टी ले हमेशा के लिए। मनुष्य आज के दौर में इतना आगे बढ़ चुका है कि ना जाने क्यों वो अपने आप से दूर हो गया है। धन और मान सम्मान के दौड़ में भागते हुए अपने आदर्शों को कहीं भूल गया है। बढ़ गया है अधर्म इस जहां में इतना, धर्म का निशान धुंधला हुआ है। कहीं आतंकवाद, लूटपाट, दुराचार, अत्याचार, क्यों खून खराबा, बेईमानी का आसरा इंसान का मस्तिष्क हुआ है। मोक्ष, उद्धार, ये सभी अंत की बात है, क्योंकि चित्त स्वस्थ होगा तो ही मन स्वस्थ होगा, तभी इस समाज में अच्छे विचारों की धारा उभर आ सकती है। परंतु वर्तमान में आ रहे दुख, तनाव, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे पे आने वाला क्रोध, द्वेष, मत्सर, यह हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं तथा यह सभी कब खत्म होंगे? इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमारा भविष्य किस प्रक्रिया से उजागर हो सकता है? इन्हीं विचारों में मनुष्य समाज में अफरा तफरी कर रहा है, वक्त आने पर आत्महत्या जैसे उपाय भी कर रहा है। कई लोग इन सभी घटनाओं को प्रतिबंध लगाने के लिए अंधश्रद्धा का आधार ले रहे हैं, जैसे मांत्रिक, तांत्रिक, तावित, मंत्रयुक्त यंत्र और मन्नत मांगने जैसी अनेक कुकर्मों का आधार ले रहे हैं। उमेश, उमेश, कहाँ है उमेश? वो घर पे नहीं है। मैं 4-5 बार आके गया, उमेश मिलता नहीं है। क्या उमेश, 4-5 महीने से भाड़ा नहीं दिया? भाड़ा नहीं देना है तो रूम खाली करो। ये क्या हो गया है इंसान को? यहाँ परिपक्व है वो मस्तिष्क से, पर दिल से निस्सहाय हुआ है। समय के साथ भागते भागते खुद अपने आप से पिछड़ गया है। समाज वही है पर इंसानियत का मूल्य बदल गया है। ऐसा ही समय 800 साल पहले था, तभी श्री चांददेव राहुल नामक परमेश्वर अवतार धरती पे अवतरित हुए। मनुष्य के तनावपूर्ण जीवन में प्रकाश तथा दुखों से परे होने का उपाय स्वामी जी ने 800 साल पहले लोगों के बीच रहकर उन्हें मानवता, धर्म तथा मोक्ष मार्ग का ज्ञान बताया। आज मनुष्य की ऐसी परिस्थिति है कि वो जिस प्रदेश में रहता है उस प्रादेशिक भाषा का उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव तथा अध्यात्म की चाह नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होगा, इसकी फिक्र नहीं है। वही ज्ञान अभर वृद्धों को पढ़ने में सहज ऐसी मराठी तथा हिंदी भाषा में परमार्ग सेवक श्री कुड़ो भाई जी ने हमारे लिए अपनी 4 नई पुस्तिकाओं द्वारा उपलब्ध की है। टेंशन में क्यों? कुछ परेशानी है क्या? एक परेशानी हो तो बताओ। पिताजी बीमार है, बच्चे की एडमिशन कराने पैसे नहीं है मेरे पास, मकान मालिक रोज किराया मांगने चला आता है,
घर खर्च के लिए पैसे नहीं दो तो बीवी रोज झगड़ा करती है। सारा जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। मैं इस जीवन से तंग आ गया हूं। ऐसा लगता है कि खुदकुशी कर लूं। खुदकुशी कर लूं? तुम्हें क्या लगता है खुदकुशी करने से तुम सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे? अरे खुदकुशी करना महापाप है। कोई मेरी मदद नहीं करता। मैं ईश्वर की इतनी सेवा करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, भोग चढ़ाता हूँ, व्रत करता हूँ, फिर भी ईश्वर को मुझ पर दया नहीं आती। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी मुझसे नाराज है। ईश्वर है कि नहीं? ईश्वर के लिए भी कुछ करने की जरूरत है। खुद ही सोचता है ईश्वर की आराधना करनी है, व्रत करना है। ईश्वर आप मुझे अच्छी नौकरी दे दो, बरकत दे दो, तो मैं आपको भोग चढ़ाऊंगा, ईश्वर के साथ भी दुकानदारी चालू। सब अजीब है। तो ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर चाहते हैं कि हम मानवता धर्म का पालन करें। इंसान ने इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। निष्काम कर्म करो। ईश्वर जीवों को सिर्फ मोक्ष यानी अपने पास जो आनंद है वो देना चाहते हैं। तो ईश्वर अपने भक्त को इतने दुख क्यों दे रहे हैं? ईश्वर किसी को दुख नहीं देता। सर्वज्ञ श्री चक्रधर कहते हैं, कर्मवशी जीव सकल ही पावे एक वाचन। हम जो कर्म करते हैं उसी अनुसार पाते हैं। ये बिना किसी पक्षपात से होता है। यही कर्म की गति है। वो कैसे? अपने ही पूर्व कर्म अनुसार जीवन में सुख दुख और संकट आने वाले ही है। उसे भोग कर खत्म करो। संकट आने पर डगमगा मत जाओ। संकट से छुटकारा पाने के लिए कर्मकांड का सहारा न लो। कर्मकांड का सहारा लोगे तो और पतित हो जाओगे। रास्ता न दिखने पर खुदकुशी कर लोगे और घोर नरक में जाओगे। खुदकुशी से घोर नरक क्यों होते हैं? उमेश, ये शरीर कैसे बना है उसे जानो। इस ब्रह्मांड की सभी देवताएं अपनी अपनी मूर्तियों में स्थित है और मनुष्य देह में सभी देवताओं का वास सामर्थ्य रूप से हड्डिया और मांस में समाया हुआ है। श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं, पिंड हनन के लिया ब्रह्मांड हनन के लिए हुए। यानी ऐसे मनुष्य देह की खुदकुशी करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की हत्या का पाप मनुष्य के माथे लगता है और वो घोर नरक में जाता है। उमेश, ये नरक के दुख बहुत भारी होते हैं। ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान श्री चक्रधर स्वामी का है। ये चक्रधर स्वामी कौन है? जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निमित्त करके सभी मानव जाति को गीता द्वारे ज्ञान दिया, वैसे ही कलयुग के परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी जी ने 800 साल पहले जीव उद्धरण का ज्ञान घर घर जाकर दिया है। तुम्हें ये ज्ञान कैसे मिला? ये ज्ञान मुझे सर्वज्ञ समाज प्रबोधन संस्था द्वारा प्राप्त हुआ। वही ज्ञान अबाल वृद्धों को पढ़ने में सहज ऐसी मराठी तथा हिंदी भाषा में परमार्ग सेवक श्री कुड़ो भाई जी ने हमारे लिए अपनी चार नई पुस्तिकाओं द्वारा उपलब्ध की है। अब हम चार नई पुस्तिकाओं से परिचित होते हैं। जीवनधारा हिंदी तथा मराठी ब्रह्म विद्या शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत निर्वचन पाठ। जीवनधारा हिंदी तथा मराठी इस पुस्तक के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध किया है। ब्रह्म विद्या शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत जानने से अभ्यासकों को शास्त्र अभ्यास करने में सुलभता हो, इस हेतु से यह किया हुआ एक स्तुत्य प्रयत्न है। सर्वज्ञ निरूपित दृष्टांत पाठ यह सर्वसामान्य वैचारिक बुद्धिशालियों के लिए उत्तम माध्यम है। प्रत्येक घर में पठन करने जैसा बालकों पर संस्कार के बीज बोने वाला है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर जी का हर दृष्टांत मानव कल्याण का सार दर्शाता है। यह ग्रंथ प्रज्ञावंतों को पढ़ते पढ़ते कुछ अंश तक अर्थबोध हो ऐसे चिन्हांकित स्वरूप में संपादन किया है, क्योंकि ईश्वर स्मरण में साधक लीन नहीं हुआ तो शब्द ज्ञान चरित होना अशक्य है। ऐसे श्री चक्रधर स्वामी के मानवता हितवादी ज्ञान सागर से भरी हुई पुस्तिकाओं का हम सभी स्वागत करते हैं।